गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड में 4 अप्रैल को मायका खदान में हादसा हुआ, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अवैध मायका खदान संचालकों को ढूंढ रही है। इसी क्रम में मायका माफिया और अवैध मायका खदान संचालक शंभू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4/4/2022 को 4:10 में से 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें अवैध रूप से कुछ संचालक उसको मायका को निकलवाते थे और मजदूरों से चुनवाते थे, जिसमें ऊपर से पत्थर और मिट्टी का दबिश गिर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें प्राथमिकी दर्ज कर लगातार छापेमारी की जा रही थी अभियुक्तों के लिए और आखिरकार 6/4/2022 को रात्रि 3 बजे सूचना मिली कि शंभू कुमार धरवी नावाडी में जंगल की ओर एक पेड़ के पास था, जो जाने वाले घर में उसकी सूचना प्राप्त होने के बाद हम लोग दरबार के साथ गए और उसे रंगे हाथ घर के पास।